कांग्रेस ने दिल्ली की 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के साथ गठबंधन के आसार भी किए खत्म। ज्यादातर पूर्व सांसद उतरेंगे चुनावी मैदान में। कांग्रेस बॉक्सर विजेंदर सिंह पर खेलेगी दांव। पीएम मोदी पर दिए चौकीदार चोर है के बयान पर राहुल गांधी ने जताया खेद। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि उन्होंने चुनावी जोश में ऐसा कहा था। आगे से दोबारा कोर्ट को लेकर किसी प्रकार की टिप्पणी का इस्तेमाल राजनीतिक बयान में नहीं करूंगा। पीएम मोदी की पाकिस्तान पर की गई परमाणु बम की टिप्पणी पर महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का राजनीतिक मामलों में परमाणु बमों की बात करना सही नहीं है। अगर हिंदुस्तान ने दिवाली के लिए परमाणु बम नहीं रखे तो पाकिस्तान ने भी परमाणु बम ईद के लिए नहीं रखे हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने भी जयाप्रदा पर की अभद्र टिप्पणी। कहा, हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी, लेकिन हमें अनारकली नहीं चाहिए। मुकदमा हुआ दर्ज। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर बोला तीखा हमला। कहा, हमने तो प्रधानमंत्री का दायित्व बोध उसी दिन समझ लिया था जब उन्होंने कहा कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल देंगे। ऐसा गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री पहले देश ने कभी नहीं देखा। ये नकली चौकीदार है, जनता सबक सिखाएगी। पीएम मोदी का आतंक पर करारा प्रहार। कहा, अब कोई भी भारत को आंखें दिखाने से पहले 100 बार सोचेगा। आतंकियों को पता है अगर बम धमाका किया तो मोदी पाताल में से भी निकाल कर खत्म करेगा। प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच करने को लेकर निलंबित हुए आईएएस अधिकारी को वापस भेजा कर्नाटका। 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं मोहम्मद मोहसिन। भाजपा ने सोमवार को 2 और उम्मीदवारों की घोषणा। नई दिल्ली से मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी को दिया टिकट। पूर्वी दिल्ली से सांसद महेश गिरी की जगह क्रिकेटर गौतम गंभीर आए चुनावी दंगल में। 15 राज्यों की 117 सीटों पर तीसरे चरण का हुआ मतदान। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा लगी दांव पर। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट हुई दिलचस्प। पार्टियों के दिग्गज नेता होंगे आमने सामने। मुकाबला हुआ हाई प्रोफाइल। कांग्रेस और भाजपा ने अपने अध्यक्षों को दिया टिकट, तो वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व संयोजक पहले से हैं चुनावी मैदान में। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के स्टार प्रचारक सिद्धू की बोलती की बंद। सांप्रदायिक बयान के मामले में चुनाव आयोग ने 72 घंटों का लगाया प्रतिबंध। रोहित शेखर हत्याकांड मामले में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नारायण दत्त के बेटे रोहित की मौत के मामले में रोहित की पत्नी अपूर्वा ने पूछताछ के बाद किया स्वीकार। झगड़े के बाद दबाया था गला। दिल्ली में होने वाला लोकसभा चुनाव है अहम, जिसे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने भी की पूरी तैयारी। 80,000 जवानों की निगरानी में डाले जाएंगे वोट। पी चिदम्बरम के पाकिस्तान के प्रति व्यवहार बदलने के बयान की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने की निंदा। कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही करना बंद कर दें, देश के भूभाग को लेकर समझौता कर लें और स्वीकार कर लें कि जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है। जेट एयरवेज की मुश्किलें हो सकती हैं आसान। बैंक कर्मचारियों के प्रमुख यूनियन के अधिकारी CH वेंकटचलम ने सोमवार को कहा, बैंक भुगतान के लिए जेट एयरवेज को देंगे कर्ज। चीन दौरे पे गए विदेश सचिव विजय गोयल ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के चीन के विदेश मंत्री वांग यी समेत कई आला अधिकारियों को दिए जैश के आतंक के सबूत। श्रीलंका में हुए बम विस्फोट को लेकर जो सूचनाएं सामने आ रही वह किसी भी लिहाज से भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं। हमले को लेकर भारतीय एजेंसियां भी हुई सख्त। 8 भारतीय हो चुके हैं हमले का शिकार। श्रीलंका में ईसाइयों के पर्व पर हुए आतंकी हमलों में मरने वालों की संख्या हुई 290। श्रीलंका सरकार का कहना, स्थानीय मुस्लिम संगठन NTJ ने किया आतंकी हमला। जदएस के 5 कार्यकर्ता भी हुए हमले का शिकार। देश में आपातकाल। एक्टर रणवीर सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म 83 के लिए जमकर बहा रहे हैं पसीना। 1983 में भारत द्वारा जीते गए पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप की कहानी पर आधारित इस फिल्म में रणवीर सिंह कपिल देव का किरदार निभाते नजर आएंगे। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत ने बटोरे 2 स्वर्ण सहित 5 पदक। गोमती ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत को दिलाया स्वर्ण। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया दरबार के साथ। जय हिंद।